नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहते हों कि मध्य प्रदेश की सरकार गरीबों के हित की रक्षा करने वाली सरकार है, लेकिन रीवा जिले में दूर दूर तक ये दिखाई नहीं दे रहा। गरीब बचाओ संघर्ष मोर्चा के संरक्षक नागेंद्र सिंह कलचुरी, जिला अध्यक्ष शैलेंद्र विश्वकर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि ग्राम लक्ष्मणपुर नई बस्ती में 15 से 20 हर्जन परिवार जो शासकीय भूमि में वर्षों से रह रहे थे, उक्त आबादी निस्तार की है, जिसमें करीब 40 वर्षों से अपना मकान बनाकर परिवार सहित वो निवासरत है, जिसको त्रिलोकीनाथ राज मिश्रा, रामजी मिश्रा और उनके परिजनों ने सरहंगई के बल पर जेसीबी मशीन बुलाकर सुबह करीब 11 बजे गिरवा दिया। गरीब संघर्ष मोर्चा के नेताओं ने कहा कि रीवा जिले में गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन गरीबों की फरियाद को नहीं सुनता है। गौरतलब है कि वर्तमान समय में ठंड का सीजन है और बरसात भी हो रही है, ऐसे में गरीब परिवार अपनी रात कहाँ गुजारेंगे, ये सोचने वाली बात है। नेताओं ने कलेक्टर रीवा से मांग की है कि ग्राम लक्ष्मणपुर निवासी त्रिलोकीनाथ मिश्रा और रामजी मिश्रा द्वारा गिराए गए गरीबों के घरों को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की जाए, ताकि गरीब परिवारों को न्याय मिल सके। मोर्चा के नेताओं ने कलेक्टर रीवा से मांग की है कि गिराए गए घरों का मुआवजा दिया जाए, ताकि गरीब अपना आशियाना फिर बना सके। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।